ट्रांजेक्शन नंबर वन है, मिस्टर रोशन कमेंस बिजनेस विद कैश 2 लाख रुपीज। इसके दो इफेक्ट्स आने थे जी, कैश आएगा आपके एसेट साइड पे और कैपिटल में भी 2 लाख रुपए आएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इसको बल्कि अभी हम सॉल्व भी कर लेते हैं, एक मिनट रुक जाएं। बेहतर यही है कि हम इसे सॉल्व कर लें ताकि ये रिकॉर्डेड और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके जी, जब तक ये ओपन होता है मैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बोलती हूँ जी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, ही परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000। उसने 10,000 का फर्नीचर खरीद लिया है। तो फर्स्ट एंट्री में क्या किया उसने? एक तो कैश आया उसके पास, साथ में कैपिटल में भी 2 लाख आया। सेकंड वाली में ही परचेज फर्नीचर, आपकी एसेट्स में फर्नीचर आएगा अमाउंटिंग ₹10,000 और कैश में से वो फिर बाद में। बिजनेस का भी कोई नाम नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रही। इधर सबसे पहले आएगा कैश। कैश कितना है जी? 2 लाख फर्स्ट ट्रांजेक्शन से। जहां से समझ ना आए मुझे फौरन बता दीजिएगा, ये ना पूरा क्वेश्चन करने के बाद आप लोगों को याद आए कि हमें क्वेश्चन समझ नहीं आया। ओके मिस, मेरी लाइट चली गई है एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर होल लेक्चर। ये आ गया जी 2 लाख रुपया। इधर कैपिटल में भी आपका 2 लाख ही आएगा, ठीक है जी। सेकंड ट्रांजैक्शन में उसने फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर परचेज के लिए ऊपर आपके एसेट्स में फर्नीचर आ जाएगा 10,000 का, और यही 10,000 कहाँ से माइनस होगा अब आपके एसेट्स में से, यानी कैश में से 10,000 रुपया चला गया। अब आपका कैश कितना रह गया? 1,90,000। 10,000 के आपके पास फर्नीचर बच गया और 2 लाख आपका एज इट इज कैपिटल में आ जाएगा। यहां तक कोई इशू? तानिया नो मैम, अभी तक तो नहीं है। ओके नेक्स्ट आ जाए। जो नेक्स्ट वाली दो ट्रांजेक्शन है वो थोड़ी सी ट्रिकी थी, शायद उस वजह से आप लोगों का क्वेश्चन नहीं हुआ। थर्ड ट्रांजेक्शन वो कहते हैं जी, ही परचेज गुड्स वर्थ ₹50,000 फॉर कैश एंड गुड्स वर्थ ₹30,000 ऑन क्रेडिट। अब उसने 50,000 की चीजें कैश दे के खरीदी हैं और 30,000 की चीजें उसने उधार खरीदी हैं। कोई मुझे बताएगा उसने टोटल कितनी गुड्स परचेज की हैं? जल्दी से, 50,000 की कैश दे के परचेज की है, 30,000 की ऑन क्रेडिट, टोटल कितनी गुड्स परचेज की? मैम 80,000 की। और कोई? सिद्रा कैसे? कोई मुझे बताया जिसने बोला? ये तानिया थे आई थिंक सो। बेटा 70 कैसे हुआ? 50,000 की कैश पे, 30,000 क्रेडिट पे, तो 50 + 30 = 80,000 की उसने टोटल गुड्स परचेज की। अब 80,000 के बदले उसने कैश कितना पे किया है? ₹50,000 क्योंकि वो उसने कहा है कि कैश पे वो सिर्फ 50,000 की खरीद रहा है। अच्छा जी, जो बाकी का 30,000 है वो उसने कभी ना कभी वापस करना है। तो यहाँ उसकी लायबिलिटीज में क्या आ गए हैं अब? क्रेडिटर्स, हाँ जी क्रेडिटर्स आ गए हैं, वो भी 30,000 के। दोनों साइडों को बैलेंस करेंगे तो इक्वल ही आएगी। अब मैं बैलेंसेस लिख रही हूँ जी। कैश में से 50,000 माइनस हो गया तो कितना बचा? 1,40,000। इधर आपका एज इट इज 10,000, यहाँ आपका आ गया जी 80,000 और इधर आपका 2 लाख और यहाँ पे आपका 30,000 जी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो जिनसे क्वेश्चन नहीं हुआ? नो मैम।
बस यही एक क्वेश्चन ट्रिकी था। नेक्स्ट वाले में भी थोड़ा सा है, वो कहते हैं जी ही सोल्ड गुड्स टू सलीम फॉर 20,000 कॉस्टिंग रुपीज 70,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। 17,000 की चीजें थी, आपने 20,000 में बेच दी हैं और वो भी उधार पे, अभी पैसे नहीं मिले आपको। बताएं जी क्या क्या इफेक्ट्स होंगे। खदीजा नहीं बोलेगी, खदीजा को मैं अनम्यूट कर दूंगी परमानेंटली अगर ये बोली तो। कोई और बताए। 17,000 की उसकी गुड्स थी जो गोदाम में पड़ी हुई थी, उसने 17,000 की चीजें 20 में बेच दी हैं जी। आप मुझे बताएं उसके साथ क्या हुआ, और वो 20,000 भी उसने कैश नहीं लिया, अभी उसने लेने हैं, यानी उसके डेटर्स में आए हैं। जल्दी से बोले क्या क्या इफेक्ट्स होंगे। तानिया गुड्स कितने की गई है बेटा? मैं बोल दूं? नहीं तुम आराम करो, तुम्हें ना मैंने मिस 20,000 की गई है बेटा। 17,000 की गुड्स थी, 20,000 में गई है। आप बताओ गुड्स कितने की गई है इस असल में? 17। मैंने पहले भी कहा है मेरे पास एक मार्कर है 10 रुपए का है, मैं 12 रुपए में बेच देती, तो मेरे पास असल ओरिजिनल कॉस्ट कितनी गई है, वैल्यू कितनी गई, वो 10 रुपए। वो जो 2 रुपए एक्स्ट्रा है वो मेरा क्या है, प्रॉफिट। सेम इज द केस विद दिस ट्रांजैक्शन। उसने कहा जी 17,000 की चीजें हैं 20 में बेच दी हैं, 20,000 भी अभी मिला नहीं है, वो कहाँ आ गया, वो आपके डेटर्स क्रिएट हो गए जिन्होंने कभी ना कभी आपके पैसे देने हैं, कितनी अमाउंट के, 20,000 के। तो वो कहते हैं जी 17,000 की चीजें 20,000 में बेच दी हैं, तो 3,000 रुपया क्या है आपका, प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट आप किसको दे देंगे, अपने मालिक को, यानी कैपिटल में ऐड कर देंगे। अब अगर हम इसका सिनेरियो देखें तो 1,40,000 का कैश बच रहा है हमारे पास, 10,000 का हमारे पास फर्नीचर है, इसमें से माइनस करें तो ये 63,000 बचेगा, ये 80,000 में से 17,000 माइनस करें। और ये आपके 20,000 के डेटर्स क्रिएट हो गए, 22,03,000 आपका आ गया जी कैपिटल, और लास्ट पे 30,000 के आपके क्रेडिटर्स। यहाँ तक कोई इश्यूज? बस दो और ट्रांजेक्शन रह गई हैं इस क्वेश्चन में। 20,000 आपने अभी वाला पार्ट करवा नहीं, समझ नहीं आया, थोड़ा सा एक बार दोबारा से किएगा। ये जो अभी वाला मैंने समझाया है, सेल्स वाला। जी 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 जी, देखो क्वेश्चन में लिखा था ही सोल्ड गुड्स फॉर 20,000 कॉस्टिंग रुपीज 70,000 ऑन क्रेडिट, कि उसके पास 17,000 की चीजें थी, उसने वो उठाई और 20,000 में बेच दी। असल चीजें कितनी अमाउंट की वो गोदाम से लेके गया, ये गोदाम में से। तानिया जी मैम, असल चीजें चलिए, जिसने भी पूछा असल अमाउंट कितनी गई है आपके पास से, ये गुड्स कितने की गई है? 70,000 की। हाँ जी 17,000 की गुड्स गई, उनके रिटर्न में पैसा नहीं मिला कोई अभी जी, ठीक है, लेकिन आपने कभी ना कभी तो वो पैसे लेने हैं, इसीलिए आपके डेटर्स की अमाउंट हमने कितनी रखी है, 20,000। अब जिससे भी पैसे लेने हैं 17,000 की चीजें देके हमने 20,000 ही लेना है, तो वो जो 3,000 का डिफरेंस है दोनों की वैल्यू में, वो क्या है आपका, प्रॉफिट। जिसने भी क्वेश्चन पूछा था उसको समझ लग गई है प्रॉफिट। खदीजा यस मैम, व्हाट आर यू डूइंग? स्क्रीन शेयर के ऊपर जो आपने अपनी कलाकारी दिखाई है ना, स्टॉप डूइंग दिस। उल्टे सीधे लड़की ना काम कर रही है। ओके जी, सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन है, ही विथड्रू कैश रुपीज 3,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। जी उसने पर्सनल यूज के लिए कैश विदड्रॉ कर लिया है, यानी अपने बिजनेस से निकाल लिया है 3,000 रुपए। कहाँ कहाँ से जाएगा जी? स्टूडेंट
मेरी आवाज आ रही है सबको? यस यस मैम आ रही है। तो बोल क्यों नहीं रहे आप लोग? मुझे लगा शायद कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो गया है। उसने पर्सनल यूज के लिए 3000 कैश विदड्रॉ किया है, कहां कहां से माइनस होगा जल्दी बताएं। एक तो कैश में से जाएगा 3000, दूसरा जब पर्सनल यूज के लिए लेके जाएगा तो कहां से माइनस होगा? आपके कैपिटल में से। कैपिटल में से। हाँ जी, अब सिचुएशन क्या होगी जी? आपके पास कैश रह गया है 1,37,000, आपके पास 10,000 का फर्नीचर बच गया, 63,000 का आपके पास गुड्स रह गई, 20,000 के क्रेडिटर्स हैं, और कैपिटल आपका फिर वही 2,00,000 का, 2,00,000 हो गया क्योंकि 3,000 उसमें से उसने पर्सनल यूज के लिए ले लिया है, 30,000 की आपकी लाइबिलिटीज। ओके जी, लास्ट ट्रांजेक्शन है, ही पेड रेंट फॉर द बिल्डिंग ₹2,000। हाँ जी, ये फिर एक्सपेंस वाली एंट्री आ गई कि उसने रेंट पे किया है 2,000 का। एक तो कैश में से माइनस होगा, दूसरा रेंट किसके बिहाफ पे कर रहा है? बिजनेस। आपका बिजनेस आपके ओनर के बिहाफ पे वो 2,000 रुपया दे रहा था, कहता है जी मैं आपके कैपिटल में से भी ये 2,000 रुपीज माइनस कर लूंगा। तो उसने कैपिटल में से भी क्या कर दिया, 2,000 रुपीज माइनस कर देना है। अब होगा जी आपका कैश में 1,35,000, फर्नीचर 10,000, 63,000 के हमारे पास गुड्स रह गए, 20,000 के हमारे पास डेटर्स, यहाँ आ गया 1,98,000 और ये आपके पास 30,000। इस साइड का टोटल करेंगे तो ये बनता है जी 2,28,000, और इस साइड का टोटल भी कर लें 10, 23, 19, 9, 3, ये भी 1,28,000, मुझे फिर भी कैलकुलेट कर लेने दें क्योंकि बोथ साइड शुड बी इक्वल। 2,28,000 दोनों साइड्स का बैलेंस आपका इक्वल है और ये आपकी प्रॉब्लम नंबर 3 भी सॉल्व हो गई जी। यहाँ तक किसी को कोई इश्यू? अब जिन्होंने कर ली थी वेरी गुड, आप लोगों ने ये करके मुझे नीट मेल तो नहीं करनी, सॉरी, आप लोग ये असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे मुझे ऑन सैटरडे। मैम ऊपर वो मिस्टर रोशन का नाम और डेट है। नाम है, दोबारा से बोलिए बेटा। मैंने कहा है जितनी हम ये लोग कर रहे हैं सॉरी क्वेश्चंस, यानी प्रॉब्लम जितनी भी हो रही है जी। आप लोगों ने नीट अपने रजिस्टर्स पे जहाँ पे आप नोट्स बना रहे थे उसी पे लिख के, यानी नोट डाउन करके मुझे चेक करने के लिए आपने सबमिट करवानी है ताकि मैं देख लूं कि आप लोग अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मैं मुझे आपने कल करवाई थी वो बेटा, वो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएंगे, मिस किरण आपको भेज देंगी। अगर उन्होंने ना भेजा तो फिर मैं आपको वो वीडियो सेंड कर दूंगी, आप वो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक। ओके जी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोग वो खुद कर सकें। ठीक है जी, प्रॉब्लम नंबर 4 के स्टार्ट में वो कह रहा है जी, शो द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस अपॉन अकाउंटिंग इक्वेशन। मिस्टर बाबर इन्वेस्टेड कैश रुपीज 1,10,000 इनटू बिजनेस। अब आपके कैश में 1,10,000 आ जाएगा और उधर से कैपिटल में भी 1,10,000 आ जाएगा। सेकेंड ट्रांजेक्शन है, ये प्रॉब्लम नंबर 4 बता रही हूँ मैं, बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये आप लोग खुद करेंगे। अब ही परचेज्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 22,000 एंड क्रेडिट 18,000। सेम यही सिनेरियो जो यहाँ पे हुआ है कि जी 22,000 की वो कैश पे चीज़ें खरीद रहा है और 18,000 की क्रेडिट पे, टोटल दोनों को मिला के ये बनेगी आपकी 40,000 की गुड्स, यानी उसने टोटल 40,000 की गुड्स परचेज की जिनमें से 22,000 रुपया कैश में से माइनस होगा और 18,000 के आपके क्रेडिटर्स
बन जाएंगे. ही मेड एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन कैश, यानी उसने कैश में मजीद सबमिट करा दिए हैं 20,000 रुपये, तो आपके कैपिटल में भी वो 20,000 रुपया ऐड हो जाएगा और आपके कैश में भी. दूसरा सिनेरियो ये है कि आप अपनी लायबिलिटीज में इन्वेस्टमेंट लिख लें 20,000 और कैश में भी ऐड कर दें, लेकिन ज़्यादा बेटर यही है कि कैपिटल में 20,000 ऐड कर दें और कैश में भी 20,000 ऐड कर दें. कैश पेड टू क्रेडिटर्स, जो आपकी यहाँ लायबिलिटी क्रिएट हुई होगी 18,000 की, अब उसमें से 10,000 रुपये आपने माइनस कर देना है, साथ ही साथ कैश में से भी 10,000 डिडक्ट हो जाएगा. उसके बाद है जी आपका नेक्स्ट पॉइंट, कैश ही परचेज्ड रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज. हाँ जी, जो पर्सनल यूज के लिए खरीदा जाएगा वो कभी भी एसेट्स में काउंट नहीं होगा. बच्चे क्या करते हैं जी, वो रेफ्रिजरेटर लिख के इधर एसेट साइड पे भी एंट्री डाल देते हैं और उधर क्रेडिट साइड पे भी कुछ कर देते हैं, यानी कि ना लाइबिलिटीज क्रिएट कर देते हैं कुछ भी. जब भी वर्ड यूज होगा पर्सनल यूज, तो इसका मतलब है जी वो हमारी ड्राइंग्स हैं और वो कैपिटल में से माइनस होंगी और कैश में से माइनस होंगी, और अगर गुड्स गई हैं तो गुड्स में से माइनस हो जाएंगी. किसी को इस पॉइंट में कोई इशू, जब उसने कह दिया कि ही परचेज रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज, तो पर्सनल यूज मीन्स ड्राइंग्स, ड्राइंग्स ही है सिर्फ, उसने कोई भी बिजनेस का कोई एसेट क्रिएट नहीं किया, तो आप कैश में से माइनस करेंगे और साथ ही साथ कैपिटल में से माइनस करेंगे. लास्ट ट्रांजेक्शन है जी, ही पेड रेंट 2,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग. इसका मतलब है जी, लिख लिया अपनी बुक्स पे, रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब है जी रेंट पेएबल. अभी उसने 1,000 रुपया मजीद देना है, वो आपकी लाइबिलिटी है. तो टोटल उसने रेंट कितना पे करना था, 3,000, जिसमें से 2,000 का एक्सपेंस माइनस हो गया और 1,000 रुपये का उसे भी पे करना है. यानी आपकी लाइबिलिटीज वाली साइड पे 2,000 रुपीज कैपिटल में से माइनस होगा, 1,000 रुपीज अभी आपका आउटस्टैंडिंग है, लाइबिलिटी है, लेकिन कैश में से आप 3,000 ही माइनस करेंगे, अदरवाइज आपकी दोनों साइड्स इक्वल नहीं आएंगी. जी यहाँ तक किसी को कोई इशू हो तो मुझे बता दे ताकि मैं इसकी रिकॉर्डिंग क्लोज करूँ और उसके बाद आपकी क्यूरीज को आंसर कर सकूँ. स्टूडेंट मैम, ये जो आपने रेंट पे एबल लिखवाया, ये लास्ट वाले पॉइंट का लिखवाया है ना? हाँ जी, जहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है ना रेंट आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग का मतलब है रेंट पे एबल है, अभी आपने पे करना है, आपकी लायबिलिटी है. जी.